सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, अपन संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। ये कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। इसमें दूसरा पाठ है बिलश्य वाणी न कदापि में श्रुता। इस पाठ को अपन पढ़ रहे थे। इस पाठ में अपन ने आधा पाठ कर लिया था, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। इस पाठ में जो अपन ने पढ़ा उसमें ये बताया गया है अभी तक कि एक भूखा शेर है, वो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था जंगल में। तो उसे एक गुफा दिखाई दी और जैसे ही उसे गुफा दिखाई दी तो वो संध्या के समय दिखाई दी, शाम के समय। तो वो ये सोचता है कि जो ये इस गुफा का जो मालिक है वो यहाँ पर रात में ठहरने के लिए आएगा, वापस अपने स्थान पर आएगा घूम करके जंगल में। तो वो शेर उस गुफा में बैठ जाता है छिप करके। फिर वहाँ पर उस गुफा का जो स्वामी है श्रृंगाल, जो कि सियार है, इसे संस्कृत में श्रृंगाल बोलते हैं, वो वहाँ पर आता है। और वो वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर उस गुफा में जाते हुए शेर के पदचिन्ह जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, जो पैरों के निशान हैं मिट्टी में वो दिखाई देते हैं, मगर वो बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। तो श्रृंगाल ने सोचा कि आज तो मृत्यु निश्चित है। तो श्रृंगाल सियार दिमाग लगाता है और अपनी बुद्धि से वह गुफा को संबोधित करता है कि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो तू आप ये गुफा की मेरे को संबोधित करती है, मुझे बुलाती है, अगर नहीं बुलाती है तो फिर मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। अब ये सुन करके शेर के मन में विचार आता है कि क्यों ना ये गुफा मेरे डर से, मेरे भय से, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है तो उसके भय से ये गुफा उसे बुला नहीं रही है, तो क्यों नहीं मैं ही उसे बुला लूँ। अब इसके बाद में आगे का पाठ पढ़ते हैं। तो बोलते हैं तद अहम तब मैं अस्य उसका आवाहन करोमि, आवाहन यानी आह्वान करता हूँ। एवह सह बिले प्रविशति मैं भोज्यम भविष्यति। एवं सह वह कौन सियार, वह सियार बिले गुफा में प्रवेश करेगा तो मेरा, मैं यानी मेरा भोज्यम भोजन भविष्यति होगा। वह सियार बिले में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन होगा। इत्यम विचारे, ऐसा विचार करके, इत्यम यानी ऐसा विचारे, विचार करके सिंह शेर सहसा श्रृंगालस्य आह्वान करोमि, साथ में श्रृंगालस्य श्रृंगाल का आह्वान करोमि, आह्वान यानी पुकारता है, आह्वान करता है सिंह की ऊंची गर्जना से। सिंह जब दहाड़ता है तो ऊंची गर्जना होती है उसकी, तो सिंह की ऊंची गर्जना से यानी ऊंचे गरजने से प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्चे श्रृंगालम आह्वयति। ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनि उसी के साथ सा यानी साथ में गुफा भी। अब जैसे कोई कमरे में किसी को जोर से पुकारते हैं तो पूरा कमरा गूंज उठता है, इसी प्रकार उस गुफा में जब शेर जोर से गर्जना करता है, जोर से पुकारता है श्रृंगाल को, तो गुफा गूंज उठती है और जोर से आवाज आती है। गुहा उच्चे श्रृंगालम आयते, गुफा ऊंचे जोर से श्रृंगालम श्रृंगाल को यानी सियार को आह्वयते पुकारती है। अनेन
अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन् अनेन अन्ये भी अनेन अन्ये अपि अन्ये भी पशवः यानी पशु भयभीता भयभीत अभवन् हो जाते हैं, अन्य पशु भी भयभीत हो जाते हैं। श्रृंगालोपि श्रृंगाल भी तत् दूरं पलायमानः श्रृंगाल भी श्रृंगाल अपि अपि यानी होता है भी, ये अपि यानी भी होता है। तो श्रृंगाल भी तत् तब दूरं दूर पलायमानः चला जाता है, चला जाता है। श्रृंगाल भी दूर चला जाता है। इमम पटतः ऐसा पड़ा गया है, ऐसा पड़ा गया है। अनागतः यह कुरुते अनागतः यह कुरुते इतम पटतः ऐसा पड़ा गया है। अनागतः यह कुरुते स शोभते स सोचते यो नः करोते नागतम। यहाँ पर सबसे पहले तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। यह श्लोक है अनागत है यानी आने वाला दुख, आने वाला दुख। कुरुते करते हैं, करते हैं। शोभते यानी सुखी, शोभते यानी बोल सकते हैं अपन सुखी। सोचते यानी दुखी। वने जरा यानी बुढ़ापा। संस्था यानी रहते हुए। बिलश्य यानी गुफा। न यानी नहीं भी, कदापि यानी कभी भी। श्रुता यानी सुनी। अब यहाँ पर वो जो सीआर ये कहता हुआ दूर जाता है, कि अनागतः यह कुरुते स शोभते। यह जो अनागतः आने वाले, आने वाला क्या दुख। यह जो अनागतः आने वाले दुख का समाधान कुरुते समाधान करता है स शोभते है वह सुखी रहता है, वह सुखी रहता है। स वह यो जो जो न करोते अनागतम, अनागतम यानी जो आने वाले दुख का न करोती समाधान नहीं करता है। सह सोचते वह दुखी रहता है। वने अत्रह संस्थः समा गता जरा। वने अत्रह अत्र वने यहाँ वन में रहते हुए यानी जंगल में रहते हुए। वने यानी जंगल या वन भी बोल सकते हैं आप। यहाँ वन में रहते हुए संस्थः रहते हुए समागता जरा मेरे को बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ गया है। परंतु बिलश्य वाणी न कदापि मैं श्रुता में मैंने बिलश्य वाणी बिल की वाणी यानी गुफा की वाणी कदापि कभी भी श्रुता नहीं सुनी, न श्रुता नहीं सुनी। यह आपका पूरा पाठ हो चुका है। अब आपके इसके शब्दार्थ याद करने हैं आप लोगों को और एक बार फिर पढ़ना है। इसके प्रश्न उत्तर भी आप अपनी शेयर कॉपी में करके और उन्हें याद करें। धन्यवाद।